मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार बनने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री 11 फरवरी को झाबुआ से लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री के दौरे के लिए झाबुआ को ही क्यों चुना गया, क्या इसके पीछे के मायने हैं? देखिए इस रिपोर्ट। मोहन सरकार में पीएम मोदी का पहला दौरा, 11 फरवरी को मोदी आएंगे झाबुआ। बीजेपी का आदिवासियों पर पूरा फोकस, लोकसभा चुनाव में मिलेगी बढ़त। मोहन सरकार में पीएम मोदी का पहला दौरा 11 फरवरी को होने जा रहा है। पीएम मोदी रविवार को झाबुआ आ रहे हैं, जहां से वो लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर झाबुआ में सोमवार को एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए। साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा झाबुआ के साथ कार्यक्रम स्थल झाबुआ के समीप गोपालपुरा हवाई पट्टी का निरीक्षण भी किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के दो मंत्री नागर सिंह चौहान, निर्मला भूरिया भी मौजूद थी। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हमारे बीच में 11 तारीख को आने वाले हैं, और खासकर हम झाबुआ वालों के लिए और मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य का विषय है और खुशी का दिन है कि एक जनजाति सम्मेलन यहाँ पे होने जा रहा है, और उसको संबोधित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे हैं, और उसकी तैयारी को लेकर के कल भी हमारे वरिष्ठ नेतृत्व भोपाल से और आए थे, और यहाँ पे आ रहे हैं वो, और खासकर जनजाति के लिए काफ़ी कुछ करने की इच्छा उनके मन में है और किया है। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री अपने 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज पश्चिम मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से ही क्यों करना चाहते हैं? दरअसल झाबुआ पश्चिम मध्य प्रदेश की आदिवासी राजनीति का केंद्र है। पश्चिम मध्य प्रदेश के धार, रतलाम और इससे गुजरात के दाहोद, महीसागर, पंचमहाल जिले सटे हुए हैं, और राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले लगे हैं। यह सभी भील आदिवासी बहुल इलाके हैं। झाबुआ को भीलों की राजनीति और संस्कृत पहचान की दृष्टि से भीलों की राजधानी भी माना जाता है। लोकसभा के लिहाज से देखें तो पश्चिम मध्य प्रदेश की 3 आदिवासी समुदाय की आरक्षित सीटें गुजरात की 2 और राजस्थान की 2 लोकसभा सीटें झाबुआ के आसपास आती हैं। आजादी के बाद से ही आदिवासी कांग्रेस का सबसे मजबूत वोटर रहा। झाबुआ के सहारे बीजेपी की निगाह देश के 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी वोटर पर भी है। ये वो कोर वोटर है जिसकी बदौलत कांग्रेस ने 70 साल इस देश पर राज किया। एमपी की बात करें तो यहाँ आदिवासी आबादी करीब 21% के लगभग है। इस हिसाब से एमपी का हर 5वां व्यक्ति आदिवासी वर्ग का है। वैसे प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 6 सीटें आदिवासी आरक्षित हैं। इन सभी पर पीएम मोदी के दौरे का असर होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।